आपको भी डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग करनी है वीवो T3 5G में तो कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं और नहीं आपका जा रहा है वीडियो कॉलिंग, कट हो जा रहा है, तो आप कैसे डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग को इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि आप जैसे कॉल करते हैं डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग को भी आप कर सकते हैं। तो कैसे करना है पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल ले चलता हूँ फोन डिस्प्ले पे, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपको ले चलता हूँ अपने फोन डिस्प्ले सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन में आ जानी होगी। आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाऊँ नेटवर्क और इंटरनेट करके, देख लीजिए नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग्स आपको दिख रहा हूँ। तो नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग्स पे सिंपली क्लिक कर दो। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड में ऑप्शन आपको दिखाऊँ सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। तो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर जब क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली सिम वन आपको दिख रहा है और एक सिम टू। तो सिंपली जिस भी में आप कैरियर में करना चाहते हैं, जिसमें बैलेंस है और वीडियो कॉलिंग इनेबल करना चाहते हो, सिंपली यहाँ क्या करना है सिम वन में क्लिक करता हूँ मैं। वन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कैरियर वीडियो कॉलिंग करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो कैरियर वीडियो कॉलिंग को सिंपली इनेबल कीजिएगा। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए कैरियर वीडियो कॉलिंग इनेबल हो गया। आप यहाँ से क्या करना, आपको यहाँ पे जैसे कॉल करते हो वैसे सेम टू सेम वीडियो कॉलिंग को करनी है किन्हीं के कॉल के पास भी, यानी कि किन्हीं के पास आप डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं अपने कॉल वाला एप्लीकेशन से। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिए।